एसिड और बेस, एसिड्स और बेस के बाद अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स की, राइट? एसिड प्लस बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं देन आपका सॉल्ट्स बनते हैं, राइट? अब यहाँ पे क्या है कि सॉल्ट हमारा एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा एसिड और बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसे है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहे हैं तो वो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रल कर देगा। सेम ऐसे ही राइट, अब अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं देन जो हमारा सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा, बिकॉज एसिड इज स्ट्रॉन्ग। सेम अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा एंड एसिड वीक है देन जो हमारा सॉल्ट फॉर्म्ड होगा वो हमारा बेसिक इन नेचर होगा, बिकॉज द बेस इज स्ट्रॉन्ग, राइट? तो हमारा वो डिपेंड करेगा उसका नेचर ऑन द रिएक्टेंट्स ऑन द एसिड और बेस कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कैसे है, राइट? अब हम बात करते हैं जो कॉमनली हम घरों में जो यूज करते हैं सॉल्ट, दैट इज आवर सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये हमारा जो प्रोड्यूस्ड होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और HCl जब रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस जो है हमारा उसके साथ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है हमारा बनता है NaCl, जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है जो हम घरों में से यूज करते हैं, राइट? प्लस H2, राइट? ये आपके रिएक्शन पहले भी की हुई है, ठीक है? और कॉमन और जो हमारा रॉ सॉल्ट होता है वो हमारा ब्राउन इन नेचर और ब्राउन क्रिस्टल्स होते हैं, राइट? उसको फिर बाद में वॉश वगैरह करके जो हमारे जो कलर तो पहुंचता है डेट अपीयर्स इन वाइट इन कलर आफ्टर वॉशिंग एंड आफ्टर रिमूविंग द इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज होती है उनको रिमूव करने के बाद, राइट? अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे NaCl है हमारा कॉमन सॉल्ट है, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी मटीरियल्स लाइक अवर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर और हमारा वॉशिंग सोडा, तो उन सब को की मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कॉमन सॉल्ट यूज होता है। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो ये डीकंपोज हो जाएगा, और ये डीकंपोज हो गया हमारा जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो होगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहाँ पे क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगी, राइट? अब क्या है कि हम ये तीन प्रोडक्ट बने हैं, ये तीन के तीन प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों का हम यूज करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, राइट? जैसे कि यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम में दिखाया हुआ है, जब हमारा NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो क्या हुआ कि इसमें से यहाँ से हमारा NaOH प्रोड्यूस होगा, सेकंड क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो जो आपकी क्लोरीन है वो तो जाएगी आपकी एनोइड पर, राइट एनोइड पर, और जो आपका हाइड्रोजन है वो जाएगी आपकी कैथोड पर, सेम जो हमारे यहाँ पे क्लोरीन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, क्लोरीन आप एक डिसइनफेक्टेंट है, इसको हम फॉर क्लीनिंग द वाटर ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करते हैं, राइट? और CFCs में यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में यूज करते हैं, राइट? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में हम इसको यूज करते हैं, मेनली हम इसको जो है वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं, बिकॉज क्लोरीन इज ए डिसइनफेक्टेंट, तो जिस पानी को हमें प्योरीफाई करना हो, उसको डिसइनफेक्ट करना हो, तो उसमें हम क्लोरीन ऐड करते हैं, राइट? और जो हमारा एनर्जी यहाँ पे हमारा प्रोड्यूस्ड हुआ, यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस लिखे हैं, इज यूज्ड एज ए डीग्रीसिंग मटेरियल। डीग्रीसिंग मटेरियल मींस कि ग्रीस जो चिकनाई ग्रीसिंग है उसको हटाने के लिए, राइट? डीग्रीसिंग के लिए सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में हमारा एनर्जी यूज होता है, पेपर मेकिंग में एनर्जी यूज होता है, और हमारे आर्टिफिशियल जो फाइबर्स हैं उसमें हमारा NaOH जो है वो यूज होगा। अब ये तो हुआ इनका सेपरेटली है इनकी एप्लीकेशन, अगर हम H2 और क्लोरीन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2 प्लस Cl2 का जो रिएक्शन होगा क्या बनेगा, 2HCl, ठीक है? तो वो जो क्लोरीन जो यहाँ पे हमारा एसिड बना, इट इज यूज्ड इन
क्लीनिंग द स्टील्स और मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में जो है हमारा एसिड ये यूज कर सकते हैं. सेम क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है और जो हमारा यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड था राइट, ये इन दोनों से हमारा यहाँ पे बनेगा जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम एज ए ब्लीचिंग मटेरियल जो है यूज कर लेंगे. तो हम अभी बात कर रहे थे कि कॉमन सॉल्ट की, कि कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं और कहाँ पे हमारा कॉमन सॉल्ट एज ए रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं राइट. तो अभी इससे पहले हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर आपको रिएक्शन याद हो तो कॉमन सॉल्ट जो हमारा है, दिस इज अवर कॉमन सॉल्ट. ये कॉमन सॉल्ट जो है तो वाटर का, तो यहाँ पे क्या था हमारा कि जो एक्वस सॉल्यूशन है कॉमन सॉल्ट का राइट, कि जब हम पानी में मिक्स कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन मींस कि जब हम सॉल्ट और पानी का मिक्सचर, एक एक्वस सॉल्यूशन हम जब तैयार कर रहे हैं राइट, तो जब वहां से एक्वस सॉल्यूशन और कॉमन सॉल्ट में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वहां पे हमारा बोला था टू NaOH, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वहां से हमारी इवॉल्व हो रही थी Cl2 क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस. फिर इनका फर्दर जो है अलग अलग यूजेस से, क्लोरीन गैस अलग अलग पर्पज से यूज होती है, हाइड्रोजन गैस वो भी अपने डिफरेंट पर्पज से हम यूज करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी अपने अलग पर्पज थे, वैसे ही इनको कंबाइंड फॉर्म में भी हम यूज करते हैं राइट. तो वो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया है. अब यहाँ पे जैसे कि हमने कहा कि Cl डिफरेंट पर्पज के लिए यूज हो रही है, तीनों ही प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं. वन ऑफ द यूज ऑफ दिस क्लोरीन गैस इज टू मेक ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्म होता है CaOCl2. ये अब हमें यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोरीन, जो कि हमारे कॉमन सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर हमारी प्रोड्यूस हुई राइट. तो अब हमें क्या करना है, ये जो Cl2 है इसको पास कराना है CaOH का ट्वाइस. व्हाट इज दिस, दिस इज अ लाइम वाटर, लाइम वाटर ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है. This is our calcium hydroxide और in common its common name is lime water. Lime water यानी कि चूने का पानी. ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको पता है जो हमारा lime है that is our CaO, that is our quick lime. जब हम इस CaO में water add करते हैं तो हमारा यहाँ पे बनता है CaOH का twice lime, right? That is our lime water, right? तो यहाँ पे हमारा बनता था लाइम वाटर. लाइम वाटर में से जब हम क्लोरीन गैस उसमें से पास कराएंगे देन क्या होगा, उनमें रिएक्शन होगी और यहाँ पे हमारा बनेगा CaOCl2 प्लस वाटर, हमारा एज ए प्रोडक्ट यहाँ पे इवॉल्व होगा. दिस CaCl2 इज अवर ब्लीचिंग पाउडर राइट. तो क्या है, NaCl से हमारा Cl2 इवॉल्व हुआ, Cl2 को हमने यूज किया टू मेक द ब्लीचिंग पाउडर राइट. तो यहाँ पर भी हमारा कॉमन सॉल्ट एज ए रॉ मटेरियल यूज हो रहा है. अब यहाँ पे इसके यूजेस हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो हमने प्रोड्यूस किया इसके यूजेस क्या क्या हैं. तो ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा यूज होता है, पहला पर्पज इसका है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग जो है ब्लीच करने के लिए कॉटन और लिनन के जो प्रोडक्ट्स हैं, फाइबर है, कॉटन और लिनन का जो फाइबर है या जो क्लॉथिस है उनको ब्लीच करने के लिए जो है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हमारा ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है. सेकंड जो इसका यूज है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्रीज. केमिकल इंडस्ट्रीज में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसको यूज करते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, डेट लूज द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को लूज करता है. जैसे कि हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी कि एक प्रोडक्ट का एक सेम रिएक्शन में एक ऑक्सीजन गेन कर रहा है और एक जो है ऑक्सीजन लूज कर रहा है. तो जो ऑक्सीजन लूज कर रहा है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ जो है ब्लीचिंग पाउडर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करता है और यूज होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में टू मेकिंग सम केमिकल्स राइट. तीसरा जो इसका यूज है डेट इज एज एन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर तीसरा यूज है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू किल द बैक्टीरिया. जैसे कि हमारा क्लोरीन जो है वो भी हम यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में टू किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए पानी में से. ऐसे ही अब यहाँ से इसमें भी क्लोरीन है आपका ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर भी हम यूज करते हैं पानी में को डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसमें से बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए राइट. प्रोडक्ट जो हम कॉमन सॉल्ट से बनाते हैं डेट इज अवर बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा बनाने में
NaCl यानी कि कॉमन साल्ट इज आल्सो वन ऑफ द रॉ मटेरियल दैट वी यूज्ड टू मेक द बेकिंग पाउडर. तो यहां पे हमारा NaCl कॉमन साल्ट प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 यानी कि अमोनिया, ये चारों जो है रिएक्टेंट्स जो है आपस में रिएक्ट करते हैं और यहां पर हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड एंड सेकंड वन इज NaHCO3. NaHCO3 क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि हमारा बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का केमिकल जो नेम है केमिकल का फॉर्मूला है वो है NaCl3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट राइट. तो हम NaCl यूज कर रहे हैं टू मेक द बेकिंग सोडा. ठीक है, अब यहां पे फर्दर NaCl3 की फर्दर रिएक्शंस हैं. लाइक पहली रिएक्शन जो है कि जब हम बेकिंग सोडा को हीट कर रहे हैं, हीट कैसे, क्योंकि बेकिंग सोडा मोस्टली हम कुकिंग में यूज करते हैं. को आपने देखा घरों में जो है बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग केक फॉर मेकिंग ब्रेड जो है हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं. तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का हम यूज करते हैं. बेकिंग पाउडर क्या है कि जब वो हम कुक करते हैं, जब उसको हीट करते हैं, मतलब जब आपने खाने में बेकिंग पाउडर डाला हुआ है और खाना बना रहे पका रहे यानी कि हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा बेकिंग पाउडर से यहाँ पे जब हीट करने पे ये यहाँ पे आपके प्रोडक्ट बनेंगे Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2. ये CO2 जो है यहाँ पर जो इसको हीट करने पे जो CO2 रिलीज होगी दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पंजी नेचर फॉर द स्पंजीनेस. और जो स्पंजी जो आपकी ब्रेड या जो आपका केक स्पंजी बनता है दैट इज बिकॉज ऑफ CO2. बेकिंग सोडा डालने पर जो आपका ब्रेड या केक जो है स्पंजी बनता है दैट बिकॉज ऑफ CO2 जो यहाँ से CO2 आपकी बन रही है एज ए प्रोडक्ट राइट. फिर नेक्स्ट जो रिएक्शन है उस ये करने से पहले हम पढ़ते हैं पहले यूजेस. तो पहले यूजेस फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. ठीक है, बेकिंग सोडा से हम बनाते हैं बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर क्या है? इट एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड. एक्चुअली बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर, इट इज अ बेस. बेकिंग सोडा इज अ बेस. तो जब बेकिंग पाउडर का जो है जब बेकिंग पाउडर यानी कि NaCl3 प्लस H पॉजिटिव आयन किसमें होते हैं? एसिड में, राइट. तो एक एसिड और जब एक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं बेकिंग सोडा और एक माइल्ड एसिड की जब हम रिएक्शन कराते हैं पानी के साथ, राइट. या फिर हम कहेंगे कि जब बेकिंग पाउडर, दिस इज अवर बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर की जब रिएक्शन होती है पानी के साथ देन जो हमारा बेकिंग पाउडर है जब हम इसको हीट करते हैं या फिर इसको मिक्स करते हैं पानी में तो क्या होगा कि यहाँ पर वाटर में जब मिक्स करते हैं तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट बनते हैं CO2 प्लस H2 प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, राइट. सो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, राइट. यही जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर थे सेम CO2 H2 प्लस सोडियम सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट बनेगा आपका. ठीक, तो ये है आपका कि जब हम बेकिंग सोडा बनाया उसको हीट या वाटर से मिक्स करें तब क्या रिएक्शन होगी, राइट. और यही हमारी रिएक्शन जो ये CO2 है यही हमारी यूज होती है कुकिंग में, राइट. नेक्स्ट फिर हमारा यहाँ पे है ये होगा पहला यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर जो कि हम कुकिंग में यूज करते हैं. सेकंड है फिर एंटा एसिड्स एंड बिकॉज अभी जैसे बताया कि बेकिंग सोडा NaCl3 इज अ बेस सो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं बेस यानी कि एंटा एसिड जो आपकी टैबलेट्स वगैरह जो आती हैं उसमें भी हम हमारा बेकिंग सोडा जो है वो यूज होता है. फायर एक्सटेंजर्स में भी इसका जो सोडा पाउडर जो है बेकिंग सोडा जो है उसका मिक्सचर हम यूज करते हैं फायर एक्सटेंजर्स में, राइट. अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है दैट इज अवर वॉशिंग सोडा. बेकिंग सोडा देन अवर वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा क्या है? Na2CO3 10H2O. अब ये Na2CO3 इसमें क्या है कि Na2CO3 की जब रिएक्शन वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स से होती है तब आपका बनता है Na2CO3 10H2O. अब ये हम अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो हम पढ़ रहे हैं कि कॉमन साल्ट जहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है ना, कि NaCl से जो प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं तो बेकिंग सोडा में तो कहीं NaCl आया नहीं है. तो एक्चुअल में क्या है ये Na2CO3 अगर आपको याद हो दिस इज अवर Na2CO3, राइट. क्या हुआ कि ये जो हमारा कॉमन सॉल्ट से एलोमेटिक हमने यूज करके हमने बनाया ये आपका बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा को जब हम हीट कर रहे हैं हीट करने पे आपका बन रहा है सोडियम कार्बोनेट और ये जो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा बना हीट करने पे बेकिंग सोडा को उसको हम यूज उसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम वाटर के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पे हमारा बन जाता है उसका बेकिंग सोडा से वहां पे आपका बन जाता है वॉशिंग सोडा,
राइट right? तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या है कि कॉमन सॉल्ट से आपने बेकिंग सोडा बनाया और बेकिंग सोडा से आप वॉशिंग सोडा बना रहे हैं पानी के साथ उसको मिक्स करके राइट right? तो यहाँ पर आपका वॉशिंग सोडा बन रहा है ठीक है। अब इसकी यूजेस वॉशिंग जैसे कि नाम वॉशिंग तो ये वॉशिंग एज ए क्लीनिंग एजेंट हमारा यूज होता है पेपर इंडस्ट्रीज में ग्लास इंडस्ट्रीज में ठीक है। एक इसके यूज है टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने। आपने दो तरह की हार्डनेस पढ़ी होगी टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। सो अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो हार्डनेस आप पढ़ लेंगे। तो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए ये हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा। दूसरा है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल बोरेक्स। ये जो सोडियम के कंपाउंड्स को की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी हम यूज करते हैं और एग्जांपल यहाँ पे आपका बोरेक्स का दिया हुआ है। बोरेक्स इज ए सोडियम कंपाउंड ठीक है। तो बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। और नेक्स्ट है एज ए क्लीनिंग एजेंट, जैसे बताया कि एज ए क्लीनिंग एजेंट ये जो है हम घरों में भी यूज करते हैं और इंडस्ट्रीज में भी ये यूज होता है राइट। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब अभी हमने यहाँ पे किया कि रॉ मटेरियल्स ऑफ कॉमन मतलब अभी हमने से पहले टॉपिक किया है द प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म फ्रॉम कॉमन सॉल्ट जहां पे कॉमन सॉल्ट एज ए रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आर क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट आर रियली ड्राई। जो हमारे क्रिस्टल्स हैं सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं आपने नमक सॉल्ट देखा है उसके क्रिस्टल्स होते हैं पार्टिकल्स है ना क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो वो जो पार्टिकल्स जो उसके आपको दिखाई देते हैं दैट आर रियली ड्राई और वेट तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं राइट। अभी आपने एक फॉर्मूला जो पढ़ा है रिसेंटली अभी वॉशिंग सोडा का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि जब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तब हमारा बनता है वॉशिंग सोडा राइट। ये वॉशिंग सोडा था हमारा तो यहां पे हमारा बन रहा था वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O। देन व्हाट डज इट 10H2O मींस वॉशिंग सोडा आपने देखा होगा घरों में राइट। तो वो क्या आपको आपको उसमें लगता है कि उसमें पानी मिला होगा राइट। क्या 10H2O क्या मतलब है कि वो जो आप वॉशिंग सोडा यूज कर रहे हो वो आपका वेट होगा गीला होगा उसमें आपको पानी दिखाई देगा। एक्चुअली इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ वाटर, इट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो क्रिस्टलाइज वाटर होगा राइट आपको जो है ये सॉल्ट जो है वो आपको ड्राई दिखाई देगा बट एक्चुअली इट कंटेन्स वाटर। फॉर एग्जाम्पल जब एक हम यहाँ पे को एग्जाम्पल लेके चलते हैं CuSO4 5H2O व्हाट इज दिस, दिस इज अवर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट एक्चुअली आप देखोगे ड्राई दिखाई देगा इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो आपको ड्राई दिखाई देंगे बट क्या हुआ कि जब आप इसको हीट कर रहे हैं एक्चुअली में ये इट विल बी ब्लू इन कलर राइट। ये ब्लू होगा इन कलर एंड व्हेन यू हीट जब आप इसको हीट करेंगे देन इट लॉस इट्स वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वहां पे आपके लॉस हो जाएंगे और CuSO4 बचेगा एंड दैट विल ब्लू कलर विल चेंज इनटू व्हाइट। जो सॉल्ट आपका वो व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे क्या शो करता है कि यहां पर हीट करने पे जो इसमें से इसके जो ये मॉलिक्यूल्स थे ये आपके इवेपोरेट हो जाते हैं और जिससे कि आपका जो ब्लू कलर था वो आपका डिसअपीयर हो जाता है दैट चेंज टू व्हाइट कलर। और अगर आप अगेन इसको मॉइस्चर कंडीशंस में रखते हैं राइट तो ये क्या है कि वहां से नमी मॉइस्चर लेके वाटर के साथ रिएक्शन करके ठीक है कराते हैं ठीक है मॉइस्चर कंडीशन को रखते हैं अगर ये मॉइस्चर नमी लेके मॉइस्चर लेके दोबारा से पानी के साथ ये रिएक्शन करके दोबारा से ये CuSO4 10H2 हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बना देता है और ये अलग दोबारा से जो है ब्लू कलर जो है जैसे ही ये मॉइस्चर कंडीशन में आएगा ठीक है पानी के साथ रिएक्शन ये दोबारा व्हाइट से ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा
राइट, दैट मींस कि जो आपको एक्चुअली में ड्राई दिख रहा है दे आर नॉट एक्चुअली ड्राई, दे आर वेट, दे आर जो आपको ड्राई एक्चुअली दे कंटेन वाटर, और ये वाटर जो आपको ऐसे नहीं दिखाई, बिकॉज इट इज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि जो आपका सोल्ट का जो फॉर्मूला है जैसे कि CuSO4, तो इसके साथ एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच होंगे, जैसे कि Na2CO3 का जो एक यूनिट है उसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अटैच होंगे, ऐसे ही CuSO4 के 4 का जो एक फॉर्मूला यूनिट है उसके साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो अटैच होंगे आपके। ठीक है, राइट, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन ए यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, दैट इज प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, जो फॉर्मूला है उसका वन यूनिट ऑफ फॉर्मूला, मतलब एक मॉलिक्यूल जो है उसके साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के होंगे, एक मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO के साथ 10 H2O 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के होंगे। अनदर एक हमारा यहां पे कॉमन सॉल्ट जो हम यूज करते हैं दैट इज आवर जिप्सम, जिप्सम जो है हम सीमेंट में भी ऐड करते हैं, दैट इज अ कॉमन, दैट इज आवर सॉल्ट, और इसका फॉर्मूला है हमारे पास CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 2H2O, राइट, दैट इज आवर जिप्सम। हीट करने पर क्या होगा, 73 केल्विन पे जब हम इसको हीट करते हैं तो यहां पर हमारा बचता है CaSO4, राइट, और हाफ H2O मॉलिक्यूल, और इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और या फिर ये इसका अदर नेम होगा कैल्शियम सल्फेट, बिकॉज हाफ मॉलिक्यूल है इसको बोलते हैं हेमी हाइड्रेटेड, राइट, हाफ मॉलिक्यूल एसिड है बिकॉज हम इसको बोलते हैं हेमी हाइड्रेटेड, राइट। तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं इतने डिग्री केल्विन पर तो ये हमारा चेंज हो जाता है CaSO4 हाफ H2O पे, राइट, यानी कि दो मॉलिक्यूल से यहां पे रह जाता है आपके हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो कि इसके एक जो फॉर्मूला यूनिट है उसके साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो अटैच है, और ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा इट इज यूज बाय द डॉक्टर्स, कौन से उसके फ्रैक्चर होने पे जो हम प्लास्टर जो हम यूज जो डॉक्टर यूज करते हैं दैट इज यही है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, राइट। और आप देखोगे कि जब आप उसको करते स्टार्टिंग में जब प्लास्टर आपका स्टार्टिंग होता है देन वो क्या होगा कि आपका सॉफ्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे सॉफ्ट होता है लेकिन वो फिर हार्ड होता है, हार्ड जब राइट वो स्टार्टिंग में सॉफ्ट होता है, लेकिन क्या होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर अगेन वाटर के वाटर जो है उसमें हम ऐड कर रहे हैं तो अगेन वो जो है ये रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन, राइट, ये यहाँ पे प्लस 1.5 H2O और ये अगेन जो है आपका CaSO4 2H2O यानी कि जिप्सम में चेंज हो जाएगी, एंड जिप्सम इज अ हार्ड, और जिप्सम क्या है आपका हार्ड मटेरियल होता है। ठीक है, तो वो आपका सॉलिड हो जाता है टू सपोर्ट योर बोन, टू सपोर्ट द फ्रैक्चर, राइट। तो यहां पर क्या है कि यहां पर भी जो आपको जिप्सम है एक्चुअली वो ड्राई दिख रहा है बट एक्चुअली कंटेन्स टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विद वन यूनिट फॉर्मूला ऑफ CaSO4, राइट, और जब हम उसको हीट अप कर रहे हैं तो वहां पे अच्छा ये जो हाफ H2O है इसका क्या मतलब कि हाफ H2O आप कैसे लाएंगे, राइट, मॉलिक्यूल आपका जो मॉलिक्यूल है वाटर का वो या पूरा ही होगा या तो पूरा होगा या दो होंगे तीन होंगे, ये हाफ से क्या मतलब है, हाफ मॉलिक्यूल कैसे लाओगे, तो एक्चुअली इट मींस कि दो मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4 वो शेयर करेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, राइट।
दो जो सी एस ओ फोर है वो आपस में एक हाफ एस एक एच टू ओ के मॉलिक्यूल को वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करेंगे, तो एक के साथ कितना आ रहा है हाफ एच टू ओ, राइट। इसी चीज को हैनी हाइड्रेटेड बोल रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट हैनी हाइड्रेटेड, ठीक है, जो मोस्टली जो है डॉक्टर्स यूज करते हैं प्लास, ठीक है, कॉमनली कॉमनली यूज नेम इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये था हमारा कि जो हमारे क्रिस्टल्स हैं सॉल्ट के वो एक्चुअली ड्राई होते हैं या नहीं होते हैं उसके बेसिस।